और नवाज शरीफ की तबीयत जेल में फिर से खराब हो गई है। नवाज शरीफ को आज किसी भी वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है और जिना अस्पताल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं, लाहौर से दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। दुआ मिर्जा, अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की तबीयत कोट लखपत जेल में एक बार फिर खराब हो गई है। पहले उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब की बार उन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी का ओवरऑल चार्ज एसपी मॉलटाउन अली वसीम के पास है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। गिर्दो नवाब में सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और तीन शिफ्टों में एहलकारों को तैनात किया जाएगा। एक शिफ्ट में दो इंस्पेक्टर, दो डीएसपी समेत 80 एहलकार शामिल है। एसपी मॉलटाउन जायवाकुआ का बार बार दौरा भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जबकि आईजी जेल खानाजार मिर्जा शाहिद सलीम का ये कहना था कि 6 बजे के बाद कैदियों की गिनती मुकम्मल करने के बाद किसी कैदी को हम जेल से बाहर नहीं निकालते, इसलिए सुबह किसी भी वक्त अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है नवाज शरीफ को। और इसका नवाज शरीफ को कब मुंतकिल करना है सुबह, इसका फैसला हुकूमत करेगी। जी दिन के औकात में ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रही थी और अस्पताल के